हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की जो ये हमारी क्लास रहने वाली है ये आपकी 49 क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और ये 49 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके आने वाले आगे जो रीट आ रहा है, DSSSB आ रहा है फीमेल वाला, तो उन सभी के लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी। क्वेश्चंस काफ़ी आपको यहीं से ही मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो भाई, भारत में सबसे पहले कौन आया था इनमें से और कौन सबसे बाद में गया था। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो राइट आंसर रहेगा पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे दक्षिण भारत की ओर से और सबसे बाद में भी जाने वाले पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का हस्तांतरण था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, तो जो प्रशासनिक परिणाम शक्ति के हस्तांतरण की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को किया गया था ये हस्तांतरण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर अपना पूरा एकाधिकार जमा लिया था और उसी के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था नमक कानून को तोड़ते हुए 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। गाइस ये क्वेश्चन आपका हरियाणा लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है बार बार, 1858 में, 1860 में, 1959 में और 1862 में। तो राइट आंसर रहेगा गाइस 1862 में। क्या रहेगा? 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद यानी फूट कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था वर्ष 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। तो राइट आंसर रहेगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल के बीच फूट पैदा हो गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, जो उन्होंने किया था 1943 के अंत में, 1944 के अंत में, 1945 के अंत में, 1946 के अंत में। तो गाइस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1945 के अंत में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वारसराय था अल बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, फ्रांसिसिको डी अल्मेडिया, नूनो डा कुन्हा। तो राइट आंसर रहेगा फ्रांसिसिको डी अल्मेडिया। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो अल्मेडा अल्मेडा। पूर्व में जो पुर्तगाली थी उनका पहला वारसराय था अल्मेडिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1924 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में। तो राइट आंसर रहेगा गाइस 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था पश्चिमी पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, मध्य भारत में। तो राइट आंसर इज पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी की टिप्पणी दहशत हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में है? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल योजना। तो राइट आंसर रहेगा गाइस क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में था कि दहशत हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, यानी ऐसा बैंक जो बिल्कुल डूब चुका है और उसका भावी चेक है क्रिप्स मिशन। ये महात्मा गांधी जी की
टिप्पणी थी। ये आपका क्वेश्चंस एग्जाम में भी बार बार आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, सैफुद्दीन कीचलू और राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस राइट आंसर रहेगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835, 1844। तो गाइस इसका राइट आंसर रहने वाला है 1835 में जो इंग्लिश है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वारसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? वारेन हस्टिगंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर इज जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो कलकत्ता मद्रास और बंबई इनमें हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के अस्तित्व में आए थे तब हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। तो राइट आंसर इज बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? आप सबको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों में मतभेद हो गए थे, तो किस अधिवेशन में फिर वो दोबारा से मिल गए? तो राइट आंसर इज लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक बार फिर से मिलन हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गणेश वासुदेव जोशी। तो राइट आंसर इज गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, तो हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे ये गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन। तो राइट आंसर रहेगा केवल एक। स्वराज पार्टी के सदस्य की बात करें तो वो थे भाई आपके मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में 1853 पे आपकी जो रेल सेवा है भारत में शुरू की गई थी, मुंबई से थाने के बीच पहली रेल या जो रेल है वो चलाई गई थी। तो किस उद्देश्य से? भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश मुक्त रूप से घूम सके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, अपने फायदे के लिए ही अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू की थी, इंडिया के बारे में सोच के नहीं की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीति स्वतंत्रता। तो राइट आंसर रहेगा गाइस स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज, तो स्वशासन था उनके अनुसार इसका अर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, आर जी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, बी जी तिलक। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख जी को, ये एक धार्मिक सुधारक थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हस्टिगंस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर इज वारेन हस्टिगंस। ठीक है, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया? जनवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर। इसका सब आंसर तो सबको पता है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तभी तो हमारा 15 अगस्त को देश भी आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस की किस अधिवेशन में ली गई थी? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। तो राइट आंसर रहेगा गाइस लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के नाम से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो सबको पता है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति काफ़ी फेमस थी और इनके टाइम पर काफ़ी राज्यों को हड़पा भी गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत को अधिकार
क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अक्टूबर 1947। तो गाइस राइट आंसर रहेगा 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस का ये मिल गया था भारत को, यानी सबको पता है भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? बड़ौदा का महाराजा, ट्रावणकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा। तो गाइस राइट आंसर रहेगा ट्रावणकोर का दीवान। अधिमिलन प्रपत्र पर साइन करने वाले ये पहले थे, ट्रावणकोर का दीवान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, विदेशी शासन की स्थापना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। भारतीय जो हस्तशिल्प यानी अपने हाथ से कपड़ा बनाने का जो उद्योग था, या हाथों से बनी चीज़ों से संबंधित जो उद्योग था, उसके पतन का कारण यही था कि विदेशी शासन आ गया था, विदेशी माल ज़्यादा, तैयार माल ज़्यादा बिकने लगा था, भारतीय रियासतें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, और ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से यानी ब्रिटिश का जो मशीनों से बना माल था वो ज़्यादा अच्छा था, तो उससे प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। तो ये सारे ही कारण थे भारत में हाथ से बने हुए उद्योगों के पतन के, उनके ख़त्म होने का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? उसमें सदस्य के रूप किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, उसमें किसी महिला को सदस्य नहीं बनाया गया था, उसका गठन निर्धारित समय से पहले ही कर दिया गया था, उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर रहेगा गाइस, उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था इंडियन ने। ठीक है, सारे के सारे अंग्रेजी थे, अंग्रेज थे उसमें, और कोई भी इंडियन नहीं था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट आंसर इज लॉर्ड मैकाले ने। वैसे भी एजुकेशन के रूप में कॉलेज वगैरह और सब कुछ अधिकतर जो काम हुआ था वो लॉर्ड मैकाले के टाइम पर ही हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती था? गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोचीन। तो गाइस पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग ज़्यादा बसे थे, तो ये प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती था साउथ में, बिल्कुल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के पास पांडिचेरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिता बंद करने, सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड बेंटिक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के टाइम पर ही किया गया था, एक विधि आयोग बनाया गया जिसमें जो भारतीय कानून थे उनका संकलन किया गया, उनको एक तरीके से पिरोया गया धागे में, और उनमें कुछ सुधार भी किए गए थे। यह 1833 के चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी के अनुसार निम्न में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से थे? असहयोग, हड़ताल, प्रदर्शन, या सविनय अवज्ञा। राइट आंसर रहेगा गाइस 1 और 4, यानी गांधी जी का जो था ये प्रमुख, एक तो असहयोग और दूसरा सविनय अवज्ञा। गांधी जी तो हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे, तो वो हड़ताल क्यों करेंगे, और प्रदर्शन के भी वो विरोध थे। ठीक है, तो असहयोग की भाई कोई भी विदेशी माल ना खरीदो, पूरे तरीके से असहयोग करो, उनको जॉब छोड़ दो अगर लग रही हो तो इस तरीके का था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, गदर पार्टी का मुख्यालय था कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में। तो राइट आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था, इसका संबंध था होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से। तो राइट आंसर इज गदर आंदोलन से, हरदयाल एक गदर आंदोलन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जय जया है, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता, मातृभूमि। तो राइट आंसर रहेगा गाइस भारत विधाता। ठीक है, तो भारत विधाता से जन गण मन, अधिनायक, जया है भारत, भाग्य विधाता। तो ये 1912 में प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले जनवरी 1912 में, और भारत विधाता से।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था कहाँ? अंडोबान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो यू नो डैट मांडले जेल में भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेजों के द्वारा कैद करने के बाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, हुगली। तो राइट आंसर रहेगा गाइस हुगली। हुगली जो कि आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। अगर हम बात करें तो ये जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना इसे भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1909, 1935, 1919 या 1945। तो राइट आंसर इज 1919 में भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने, ए एम मालवीय ने, वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी। तो भाई बी आर जो अम्बेडकर थे इन्होंने लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932, तो तीनों ही सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी ने आई थिंक एक सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 30 नवंबर 1949 को? तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो पारूपण है पूरा हो गया था। फिर लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे यानी स्थायी अध्यक्ष थे सबसे पहले, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। शिवाजी ने निम्न में से किस यूरोपियन शक्ति से तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो राइट आंसर रहेगा गाइस पुर्तगालियों से शिवाजी ने, जो मराठा थे एक, उन्होंने यूरोपीय शक्तियों से तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाएं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। गाइस राइट आंसर रहेगा कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डिजरेली। तो राइट आंसर रहेगा जो डिजरेली था उसने ही ये स्वीकार किया कि 1857 का जो भारतीय द्वारा किया गया पहला विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे राष्ट्र के तौर पर किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिक या कर्जन। तो राइट आंसर इज विलियम बेंटिक, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1917, 1927, 1934, 1942। तो राइट आंसर इज 1970 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इलाहाबाद, ठीक है। शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद के अंदर, यूपी इलाहाबाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906, 1909। तो राइट आंसर इज 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग यानी अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग निर्वाचन किया जाए तो ये पहली बार आरंभ किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, और बिहार और उत्तर प्रदेश। तो गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल की बात करें तो वो बंगाल और पंजाब में थे 1937 में। तो गाइस, ये आपके 49 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।